हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी जी। सर, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन किया है, वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। खुद को अगर कहा जाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देश में आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो है वो होने जा रही है, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचारी लोग ये बात बोल, याद होगा अरविंद कहा करते थे यदि किसी पर संगीन आरोप लगते हैं तो इस्तीफा दे और जाँच होने दे और जाँच तक वो बाहर रहे। आज वो मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। हालांकि मुझे कोई अरविंद से ये उम्मीद भी नहीं, जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है तो वो ये भी कर सकता है। लेकिन अरविंद ने जो बात कही कि आज भगत सिंह बना दिया, उससे पहले भारत रत्न वो देने की बात कर रहे थे सिसोदिया को, और आज सिसोदिया को देखा गया कि उनको महात्मा गांधी जी की समाधि पर भी भेजा गया। तो जिस महात्मा गांधी जी को दीवार से उतार के नीचे रख दिया, और जिस भगत सिंह जी के बारे में बात करें, भगत सिंह वो व्यक्ति था, वो क्रांतिकारी था जिसने एक लौ जलाई, आग जलाई युवाओं के दिल में, हृदय में देशभक्ति की, कि 23 साल की उम्र में फंदा चूम लिया, उसने माफ़ी नहीं मांगी, आने वाली जनरेशन के लिए उदाहरण सेट किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भगत सिंह का नाम लेके ढाल बनाना चाह रहे हैं, और आप दिल्ली के युवाओं को दे क्या रहे हैं? रोजगार की जगह 21 साल में शराब पीने का अधिकार। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? क्या ये गांधी का अपमान नहीं है? क्या ये आज सरदार भगत सिंह जी का अपमान नहीं है? तो ये हमारे इन क्रांतिकारी सपूतों का, इन नेताओं का अपमान करना बंद करें, तुरंत इस्तीफा लें। आप ही ने कहा था यदि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पाया जाता है तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। 3 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, क्यों आज तक वो घोषित नहीं हुआ देशद्रोही? आज मनीष सिसोदिया FIR में नंबर 1 है, पूरी तरह से तय हो चुका है भ्रष्टाचार करने वाला, करवाने वाला, पैसे पाने वाला, पैसे देने वाला, और फिर भी मंत्रिमंडल में। आखिर मामला क्या है? पूरी तरह से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, इनका सरगना अरविंद केजरीवाल है, और अरविंद आज उनकी ढाल बनने का काम करें और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। एक आखिरी सवाल, उनका कहना है कि ये चुनावों के चलते जो है वो किया जा रहा है, शराब में किसी प्रकार का घोटाला हुआ है जो नहीं हुआ है, लगातार पहले से ही कहते आ रहे हैं। देखिए, ये घोटाले की पोल तो मैंने खोली, मैंने लड़ाई लड़ी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और ये लड़ाई हमने दिल्ली की जनता की आवाज़ पे लड़ी है। भाजपा तो चुप थी, भाजपा के 8 विधायक, 7 सांसद, 150 पार्षद, 3 मेयर चुप थे, उनका अध्यक्ष चुप था, एक चिट्ठी नहीं, 4 लाइन की पंक्ति नहीं, हमने लड़ाई लड़ी। ये तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था जिसको जाकर दिल्ली को बचाना था, भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, ये मैंने किया। हाँ, इसमें जिस तरह से भाजपा ने एंट्री मारी है, स्वाभाविक सी बात है भाजपा के साथ बी टीम के रूप में अरविंद हमेशा काम करते रहे हैं, और यही बैकडोर से जो फायदा पहुंचाने की जो कोशिश होती है हमने उत्तराखंड में देखी, हमने गोवा में देखी, वही रोल हमें गुजरात में दिखाई देता है। आखिर भाजपा को आप यदि समझें तो आपको समझ में आएगा किस तरह से प्रयोग करते हैं। भाजपा दिल्ली में आज तक नहीं जीत पाई, और दावे के साथ कहता हूँ भाजपा दिल्ली में कभी नहीं जीत पाएगी। लेकिन अरविंद जैसे को तैयार करते हैं, जो इनका निक्कर पहन के इनके लिए काम करता है, इनकी सोच के अनुरूप काम करता है, और भाजपा उनको बचाने का काम करती है। यदि ऐसा नहीं है तो शराब के ऊपर क्यों आखिर भाजपा मौन बनी रही? स्वाभाविक है, दोनों ने मिलकर करप्शन किया था, इसकी पोल में पहले खोल चुका। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों ही एक टीम और दो रूप जो है उसके साथ तौर पर काम करते हुए फिलहाल दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो करते हुए नजर आए, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ भी चुनाव करते हैं कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा कराने के लिए करते हैं। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुचांत, दिल्ली आज तक।